अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज भी आप देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों से हम एक बातचीत का सिलसिला शुरू रखे हुए हैं उसमें अभी तक कुछ कमी नहीं आई है। मजीद बम धमाके हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं और कल मैंने कहा था कि मौत का एक रक्स हम देख रहे हैं जो कि अभी थमने को नहीं आ रहा। आज हम इसका एक ऐसा एस्पेक्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मासूम जानें जिनकी ली जा रही हैं उन बेचारों का क्या कसूर है। आज हम कोशिश करेंगे कि अभी परसों जो बम धमाका हुआ था, खुद कुछ हमला इस्लामाबाद में, उसमें जो लोग जहां भाग हुए उनके जो लवाहिकीन हैं उनमें से किसी से बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस तकलीफ में से गुजर रहे हैं, क्योंकि मारने वाले तो शायद चले जाते हैं और फिर उनका कुछ और टारगेट होता है, लेकिन जो मर जाते हैं उनके लिए क्या क्या दास्तानें वो छोड़ जाते हैं, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम एक दो और टॉपिक्स भी बात करेंगे। एक तो सदर मुशर्रफ की कल मुलाकात हुई थी सीनियर सहाफियों से और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई वहाँ पे और बड़े ही जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनके ऊपर कुछ क्लैरिटी अब सामने नजर आ रही है और पता चल रहा है कि आइंदा आने वाले जो महीने हैं उनमें क्या होने जा रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में अभी आज पता चला है कि मैनहैटन के इलाके में वहाँ पे एक पाइपलाइन फटी है जिससे वहाँ पे खासा नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हुई है। उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए चलेंगे न्यूयॉर्क, वहाँ से भी जरा रिपोर्ट लेंगे और अपडेट्स लेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा और बताइएगा इन तमाम उम्र के हवाले से आप क्या सोचते और समझते हैं। और हमारे नंबर्स होंगे 9222925 और दूसरा नंबर होगा 9220458 और हमारा ई मेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। लेकिन सब कुछ होगा खबरों के बाद और खबरों में मेरा साथ दे रहे हैं सोहेल फारूक साहब और खबरों में देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है और अहम तरीन खबर कौन सी है। नाज़रीन, पहली खबर वही जो मैंने पहले कहा कि एक सिलसिला मौत का चल रहा है। अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि हमले में भी एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है और उसी के बारे से हम आपको बताते हैं कि उस एक खुदकुश बम धमाके में 5 अफराद वहां पे जान बहक और 22 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी सेंटर के अंदर ले जाने की कोशिश की और इसके दौरान गेट के साथ टकरा दी जिससे शदीद धमाका हुआ। जख्मियों को हमले हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। 10 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया है। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि इतदाल पसंद सियासी कवतों को इकट्ठे होकर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करना चाहिए। रावलपिंडी में अखबार के एडिटरों और उनके सीनियर एडिटर्स के साथ एक ग्रुप से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि मसाइल का हल जमहूरी अमल है। मुल्क के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए सदर मुशर्रफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान को इतदाल पसंदी की राह पर गामजन रहते हुए तरक्की और खुशहाली की मंजिल की जानिब आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा वतन और मेरे हम वतन ही मेरी तरजीह है। सदर मुशर्रफ ने कहा कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि इतदाल पसंद सियासी कुव्वतें मिलजुल कर इंतहा पसंदी के चैलेंज से निपटें। खासतौर पर इंतखाबात के बाद मंजरनामे में उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में अमन अमान के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है। आज कश्मीरी अवाम यौम इल्हाक पाकिस्तान इस अज़्म के साथ मना रहे हैं कि कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद मुनसर नसबुल्लाह के हुसूल तक जारी रहेगी। यह दिन इस तारीखी करारदाद की याद में मनाया जाता है जब कश्मीरी अवाम ने 19 जुलाई 1947 को ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इल्हाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। भारत में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल ने और हिजब इख्तलाफ के उम्मीदवार भैरून संघ शेखावत के दरमियान मुकाबला होगा। पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों के 4,500 अरकान सदर का इंतखाब करेंगे। वोटिंग दारुलहुकूमत नई दिल्ली और सूबाई दारुलहुकूमतों में होगी। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहैटन में एक धमाके से एक शख्स हलाक और 18 जख्मी हो गए हैं। धमाका जेर जमीन ट्रांसफार्मर फटने से हुआ और वहां से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और पुलिस ने मुतासर इलाकों को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर ही पहुंच गया है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।
इर्द गिर्द की इमारतों को खाली करा लिया गया है और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बज़ाहिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। और अब खेल, इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से लॉर्ड्स में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स स्टीव हॉमिसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जख्मी होने के बाद टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फास्ट बॉलर मैथ्यू होगार्ड भी फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं, इसलिए पहले ही टेस्ट में उनकी शिरकत मशकूक हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाजरीन आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर मकाम पर मौसम गर्म मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब सूबह सरहद और कश्मीर में चंद एक मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा ज़ेरी सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद एक मकाम पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का नाज़रीन आपको एक सिलसिला मालूम ही है और वो है अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म। आज अल्लामा इकबाल की बारी है। अल्लामा इकबाल के चंद अशआर ज़र्बे कलीम से मुंतखब किए हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि वह हरफ राज के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ्स जिब्राइल दे तो कहूं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फर्राखी अफलाक में है खौर और जुबूं, हयात क्या है ख्याल और नजर की मजजूबी, खुदी की मौत है अंदेशा हाय गुनागुं, अजब मजा है मुझे लज्जत खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में न रहूं, जमीर पाक व निगाह बुलंद व मस्तिये शौक, न माल दौलत कारूं न फिक्रे अफलतूं, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, ये कायनात तभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमा दम सदाए कुन फयकूं, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं। अभी ये अल्लामा इकबाल के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश किए और इसमें आप देखें कि उनके जो मैसेज है वो कितना ज़बरदस्त है और अंदाज तो उनका आपको मालूम है कि कितना खूबसूरत होता है। फरमाते हैं कि हयात क्या है ख्याल और नज़र की मजजूबी, अब इस पर गौर कीजिएगा, और कहते हैं कि खुदी की मौत है अंदेशा हाय गुनागुं, इस पर भी गौर की ज़रूरत है। और एक और जो मशहूर शेर है उनका कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आलम बशरियत की जद में है गर्दों, के आप देखें कि चांद के ऊपर इंसान चला गया लेकिन अल्लामा इकबाल ने उससे पहले ये कह दिया था कि आलम बशरियत की जद में है गर्दों, और फिर इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा। ये देखिए एक हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का एक मौका है कि इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं, हमें इससे भी जरा बचना है और हमें इससे निकलना है कि जो हम वेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं और वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं और अपनी रूट्स को हम छोड़ते चले जा रहे हैं और अपना कल्चर जो है उसको हम भुलाते चले जा रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है जो हमें दरपेश है और हमारे मसाइल में से एक, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये अल्लामा इकबाल के नाज़रीन चंद अशआर और इस सिलसिले में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम बेसिकली वही सिलसिला बात करने जा रहे हैं कि जो हम पिछले दिनों से कई दफ़ा देख चुके हैं कि रोज़ाना आए दिन हमारे यहाँ पे हिलाकतें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल जो है वो जारी है, और उससे भी बड़ा जो एक जुल्म है वो ये है कि इस्लाम के नाम पर जारी है और इस्लाम के नाम पर ये एक घनौनी एक कार्रवाई हो रही है जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा गैर इस्लामी जिसको कह सकते हैं कि वो है। और इसमें यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो इसमें फतवे दे चुके हुए हैं और उलमाए दीन का एक कंसेंसस है इसके ऊपर कि इस तरह के जो खुदकुश हमले हैं उनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारी सबसे पहली खबर जो थी वो यही थी कि हंगू में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके ऊपर हमला हुआ है और उसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं उनके हलाक होने की खबरें आ रही हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये सिलसिला हमें कहाँ ले जाएगा, हमें हमारे मुल्क के लिए
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया में, अगर आप मुख्तलिफ अखबारात अगर देखें जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान हर अखबार की जो है वो सफ़ा अव्वल की जीनत बना हुआ है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि काश कि हमने कोई इतना अच्छा काम किया होता कि हम सफ़ा अव्वल पर होते, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम अपनी एक नेगेटिव एस्पेक्ट के हवाले से पहचाने और जाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब इसी का हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने आपसे कहा था कि हम चंद लोगों से बात करना चाह रहे हैं कि जो जिनके रिश्तेदार जो हैं वो इस इस्लामाबाद बम धमाके में जहाँ भाग हुए और उन्होंने जाने दी, उनका कोई कसूर नहीं था और उनको मार डाला गया, उनकी फैमिलीज थी, उनकी फैमिलीज अब किस कर्ब से गुजर रही हैं, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कीजिएगा और अपने जज्बात से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरफराज मसीह साहब, इनके बहनोई तारिक मसीह जो है वो इस बम धमाके में हिलाक हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? बैठे 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 आप प्लीज तशरीफ रखें। सरफराज साहब, आपके बहनोई तारिक मसीह साहब वहाँ पे थे, बताएंगे कि वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर वो रेड टोन में, टोन एक दफ्तर है, वो उधर मुलाजम थे, चाय वगैरह पिलाते थे, जो अफसर थे उधर जो हमला था उनको चाय ऑफिस वो आए थे। लास्ट कोई महल कोई दो तीन साल से उधर, दो साल से तकरीबन रहना कर रहे हैं सर। जॉब कर रहे थे वहाँ पे? जी सर। अच्छा, और वहाँ पे ये जो जब धमाका हुआ है जी तो वो उस वक्त किस जगह पे थे? सर वो नीचे आए हैं कहीं के, वो ड्राइवर उस जो दफ्तर का ड्राइवर था और वो खुद नीचे आए और छुट्टी करने लगे हैं, तो नीचे आया तो दोनों खड़े हैं ऐसे, सामने उनके दफ्तर के साथ ही कुर्सियां लगी हुई हैं, सारा ये कैंप जो है ना, मैंने तो खैर देखा नहीं, वाला साहब बता रहे हैं वो जो टेंट था ना वो पास ही कहीं लगा हुआ था, तो उधर कहीं वो ड्राइवर को उसके अफसर ने मिस कॉल दी है या बात की है, तो ड्राइवर कहता है, ड्राइवर बता रहा है कि मैं चला गया अफसर के साथ उसको छोड़ने के लिए पिंडी, तो ये इसको भी मैंने बोला ठीक है फिर अभी तुम भी जाओ, कहता ठीक है मैं भी जाता हूँ ना, तो बस कहते कि कहीं एक दो मिनट में जो है ना, कहीं एक मिनट कहीं और शायद रुका है या नहीं रुका है, तो इस तरह जो है ना वो होते ही जो है धमाका हुआ। अभी इनके उधर मोटरसाइकिल भी खड़ी है सर, तो पता नहीं क्या होगा सर, और सारी ये टांग सर उन्होंने कहा था तस्वीरें साथ लेके आने से, ये देखे सर ये उनकी फैमिली की तस्वीरें हैं, ये उनकी तस्वीरें सर, ये और तस्वीरें सर देखे, इनके एक सूर था सर, ये उनकी तस्वीर है जी सर, ये कैमरा से कहूंगा कि इसको जूम इन करेंगे और भी तस्वीरें सर दिखाइएगा। ये तस्वीर है नाजरीन जनाब तारिक मसीह साहब की, जो इस बम धमाके में जिनकी डेथ हुई है, ये जो नीचे वाली तस्वीर आप देख रहे हैं ये है उनकी तस्वीर जो बैठे हुए हैं, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि जिसमें मैं मजीद देखता हूँ कि उनकी एक दो तस्वीर अगर मजीद भी हो तो वो भी हम आपको दिखा सकें। ये उनके बच्चे हैं, ये बच्चा बड़ा बच्चा था, ये भी बड़ा हो गया, अभी देखिएगा ये आगे तस्वीर मैं आपको बताता हूँ उनके बच्चे की, ये इनकी तस्वीर है, ये इनका बड़ा बच्चा है, इससे छोटे हैं, ये उनकी तस्वीर है, बड़े शौक से ये मेरे पास आए, मैंने कहा यार ये तो आपकी तस्वीर है जी। चलिए ये नाजरीन ये भी देखिएगा, ये तस्वीर है उनकी और ये इनके बहनोई जो इस बम धमाके में जिनकी डेथ हुई है, ये उनकी तस्वीर है और आप देख रहे हैं कि उनके साथ ये खुद भी खड़े हुए हैं, और ये बच्चों की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, मैं मजीद आपको दिखाता हूँ कि जो ये बड़ा ये बड़ा बेटा ये देखिएगा कि ये इनके दोनों बेटे हैं जो अब यतीम हो चुके हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी इंसान कोई भी इसको देखेगा तो उसके तो जाहिर है कि दिल को कुछ ना कुछ होता है। अच्छा ये बताएं कि कितने बच्चे थे? पांच बच्चे हैं सर, है इसके अंदर। अच्छा पांच बच्चे हैं, मेरी सिस्टर जो प्रेगनेंट है कोई अभी एक दो माह में डिलीवरी होने वाली है सर, तो उनके वाले साहब भी हैं, बड़ा भाई था वो पहले फोर्थ हो गया है, उनके वाले साहब ने हमें ज्वाइन किया है। क्या हाल है जी आपका?
आपके बेटे थे वो जी जी तो क्या फील कर रहे हैं आप आपका तो सब कुछ लूट गया जी कुछ नहीं जी मैं ना जिंदा जन्म हुआ जी ना मैं तोड़ सकना ना कर सकना मैं जी कितने बच्चे ने तोड़े बच्चे मेरे दो बच्चियां दो बच्चे दो बच्चे फोत हो गए अभी ये फोत हो गया ना ये एक ही एक ही बेटा था इनका दो बेटे थे पहले पहले फोत हो गया अभी ये अकेले ही थे तो यानी कि इनकी जब शादी हुई तो उस टाइम भी अकेले थे तो वो भी यंग ही थे इनके बड़े भाई तो ये भी अभी आपके सामने सर सूरत हाल अभी आप बता रहे थे कि आपकी सिस्टर जो है उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश भी होने वाली है तो वो भी इस वाले से एक और आपके लिए बड़ा ही मसला है बस सर आपको अजीब सी फीलिंग आपको महसूस आपको टीवी में देखते थे अखबारों में सुनते थे लेकिन ये नहीं पता था कि किसी दिन हम आपके सामने भी बैठे होंगे इस हौसला करें आप और अल्लाह ताला से दुआ मांगें आपको देखते देखते सर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे पता नहीं हम लोग जब आप लोग आपका टीवी में देखते थे सारा इंटरव्यू वगैरह देखते थे तो आपको टीवी में देखते थे ये नहीं सोचा था कि हम लोग भी कभी इस जगह पे जाएंगे और इस तरह जाएंगे सही कह रहे हैं कल में जब उनको ससैया चौक में मैंने मेरी वाइफ इधर आई थी मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी उनका पता करने के लिए तो मेरे बच्चे की सालगिरह थी हफ्ते वाले दिन ये जो गुजर गया ना हफ्ता सर इस 14 तारीख को सर तो मैंने अपने ससुराल वालों को और मेरे अपने वालदे उनको और अपनी सिस्टर को इनको मैंने कहा कि आप लोगों ने लाजमी आना है तो मैंने बड़ा अरेंज किया है इनके लिए खाना वगैरह का और ये बारिश हो गई रात को उसी दिन बारिश हुई है तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल तैयार थे सारा सिस्टम हमने जो बच्चे हमने तैयारी घर से निकलने लगे थे कि बारिश आ गई है तो मैंने कहा अभी बहुत तेज बारिश आई बाजी कह रही घर में भी पानी भी आ गया तो हम लोग नहीं आ सकते हैं तो भाई का क्या था कि ये कह रहे थे यार जो ही बारिश रुकती थी हम कोशिश करते हैं आने की कह रहे केक तो नहीं काटा नहीं मैंने कहा नहीं आप लोगों का इंतजार कर रहे उसी दिन आपके बच्चे की सालगिरह थी सालगिरह थी तो उससे अगले दिन जो है ना मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई मेरी वाइफ जो है ना उनका पता करने के लिए आई है तो मेरे बहन भाई ने निकाल के दिए सूट बाजी बता रही है खुद ही खरीद के लाया है खिलौने वगैरह भी बच्चों को जो गिफ्ट देने थे वो दे रही है तो उससे अगले दिन घर गई है तो मुझे दिखा रही है तो मैंने मुझे बोलती है कि भाईजान की कितनी अच्छी पसंद है कितना अच्छा सूट लिया मैं उसे बता रहा था मैंने भी भाई के लिए सूट पसंद किया है मैं उसको कह रहा था हम दोनों एक जैसा सूट सिलाएंगे तो उसके लिए जब मैं कल कफन दे रहा था तो मैंने दिल में यही सोच रहा था कि मैं तेरे लिए सूट ले रहा था लेकिन कफन ले लिया मैंने अल्लाह ताला रहम करे और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी जज्बाती सी वो मुझे कहता है कि यार मुझे इतना प्यार ना मेरे घर कभी कभी दो चक्कर लगाता था तो पिंडी में उनकी सिस्टर भी उधर आर्य मोहल्ले में रहती थी उनके पास जाता था तो कहता है यार मैं इधर बस जल्दी में हूँ तो फिर जो है ना मैंने कहा कहते यार तू मेरी इतनी चाह ना किया कर इतनी जो है ना मैंने कहा यार तू बेनोई है हमारा अगर बेनोई होंगे तो चाह होते हैं सर अगर इंसान समझ रहा है तो बड़ा भाई ही होते हैं छोटे भाई होते हैं अगर हम भी किसी के बेनोई हैं मेरी भी शादी मेरे तीन बच्चे हैं सर लेकिन ये है कि एक चाहत होती है ना सर वो वैसे भी सर एक ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी बहन बेवा हो गई है मेरी बहन अभी क्या करेगी ठीक है वो ऊपर वाला है सब कुछ वही करता है क्योंकि हमारा ईमान उस पर है सही बिल्कुल सही दूसरी बात ये है कि एक अच्छा इंसान था सर पूरे मोहल्ले से पूछ लें वो चार बंदे खड़े भी होते थे मैं पास से गुजर जाता था सलाम करके ठीक है उनके पास नहीं खड़ा उन्होंने पूरा मोहल्ला इस चीज की गवाही दे रहा है सर और मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ कि कभी उसने मेरे साथ कभी उफ तक बात नहीं की चलो सर एक सेकंड मैं नाज़रीन बैड न्यूज़ हब में
एक और बम धमाका हुआ है सुबह के बाद, दूसरा बम धमाका, एक और बैड न्यूज हब के मेन बाजार में बम धमाका हुआ है और उसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और उनकी जो जख्मियों की हालत है वो भी बताई जा रही है कि नाजुक है। और इस हवाले से हमें मजीद डिटेल्स जैसी मिलेंगी मैं आपसे शेयर करूंगा। और आप ये देख रहे हैं कि आज पिछले तकरीबन चंद दो चार घंटों के दौरान ये दूसरा एक और वाकया, पहले हंगू का वाकया और अब ये हब की एक और खबर आई है और ये एक ऑनस्लॉट शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ हमारे दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने। और एक आप देख रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ अटैक्स इस वक्त चल रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए और इनको बताए कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। अभी हम बात उसी के सिलसिले में कर रहे हैं कि एक इम्पैक्ट जो है एक फैमिली के ऊपर क्या पड़ता है। एक शख्स तो खुदकुश हमला करके या वैसे बम फाड़ के चला गया, लेकिन एक खानदान तबाह हो जाता है। अभी मेरे साथ ये जो जो भाई बैठे हुए हैं सरफराज साहब, इनके बहनोई वहां पे हिलाक हुए और साथ साथ आप देखें कि उनके वालिद साहब हैं, ही इज इन द स्टेट ऑफ शॉक एक्चुअली। वो अभी शायद बात भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ता है एक जिंदगी के ऊपर। एक पूरे खानदान की लाइफ मुतासर होती है, बच्चे हैं इनकी जो सिस्टर हैं उनके यहाँ एक और बच्चे की विलादत होने वाली है, अब वो एक और मसला है। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग शायद नहीं सोचते हैं और हम समझते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं शायद इस्लाम को इसका बड़ा फायदा पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, गिरेबान में झांकने की जरूरत है और अपनी पॉलिसीज को और अपनी तमाम जो हमारी इस वक्त बातें चल रही हैं उनका असर में जायजा लेने की जरूरत है। इसमें मुझे जरा बताइएगा सफा साहब कि आप खुद क्या करते हैं? मैं सर मुलाजिम हूँ गवर्नमेंट का। अच्छा, और आपकी फैमिली भी यहीं पे इस्लामाबाद में है? जी सर। और आप इकट्ठे रहते थे उनके साथ? नहीं सर, मैं चिकलाला में रहता हूँ। ठीक है, और आपके जो उनके साथ रोजाना आना जाना मिलना जुलना रहता है लोगों के साथ? नहीं, ऐसे कहेंगे हम रोजाना मिलते थे, बस फोन पे बात होती थी ज्यादा। और ये कभी हम इधर आए इस्लामाबाद तो घर चक्कर लगा लेते थे, मेरे ससुराल भी इधर ही हैं, इधर G732 में, और ये खुद G72 में रहते थे। तो यानी हमारे रिश्तेदार और मेरे वाले सर खुद नेवल कॉलोनी में रह रहे हैं, तो जब हम इनको मिलने आते थे सबको मिलने आ, तो ऐसे कहेंगे हम रोजाना मिलते थे, क्योंकि आपको पता ही है नौकरी का मसला होता है, फिर घर का मसला होता है, घर में सो जरूरियात की चीजें होती हैं सर, इंसान उनमें अपनी जिंदगी जो है ना। ठीक है नाज़रीन, मैं फिर एक दफा आपको बताता चलूं कि हब में एक और बम धमाका हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं और इसमें अंदेशा ये है कि उसमें चाइनीज के भी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। और ये भी एक और बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस का जो एक सिलसिला चल रहा है, एक सफर चल रहा है, उसमें चाइनीज़ हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर रही हैं। और अगर हम चाइनीज़ को इस तरह टारगेट करते रहेंगे तो हमारे लिए मसाइल जो हैं वो बहुत यकीनी हो जाएंगे। और ये आप देखें कि ये जानबूझ कर उनको टारगेट किया जाता है ताकि हमारे मामलात जो हैं वो उनके साथ खराब हो, डेवलपमेंट का सिलसिला रुक जाए और पाकिस्तान को जो है वो मसाइल का सामना खुदा न खासा करना पड़े। तो ये जो सोच है ये किसी पाकिस्तान दोस्त की तो नहीं हो सकती। इसका फैसला करना मेरा ख्याल है कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आप खुद सोच लें कि जो लोग ये चाहते हैं कि चाइनीज यहाँ से चले जाएं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अभी मजीद इसकी डिटेल्स आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो शेयर भी करें। और इससे पहले मैंने तो सोचा था कि हंगू के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक और बम धमाका हुआ है और अब उसकी भी डिटेल्स मुझे आपको देना पड़ रही हैं। दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा और ये जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इनका कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो इनको टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चंद लोग, महदूद चंद लोग, ये पाकिस्तान की जो वाइड मेजोरिटी है उसको ये हाईजैक कर लेंगे और पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं जो जो तरक्की चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, जो इकट्ठे मिलकर रहना चाहते हैं, वो सारे जो हैं वो इसे मुतासर होंगे। लिहाजा वी हैव टू इवॉल्व स्ट्रेटजी एन अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी, तो उसमें हम बात इसको मजीद भी करेंगे। हम चलते हैं हब में और बात करते हैं अपने नुमाइंदे से, इलियास जमील से, पीटीवी के नुमाइंदे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वहां पे क्या मामला चल रहे हैं और क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं। इलियास जमील से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
इलियास साहब, क्या सूरत हाल है? धमाका कैसे हुआ है, कब हुआ है और उसकी तफसीलात से अभी तक धमाके की इतला यह है कि सुबह ऐन उस वक्त जब एक सिक्योरिटी एहलकारों का काफिला कुछ गैर मुल्कियों को जो है गार्ड करके जा रहा था जी, तो मेन बाजार में जो बस स्टॉप है उसके करीब एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतद्दद सिक्योरिटी एहलकार और कुछ शायद गैर मुल्की भी जो जाबाक हुए हैं, और उसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी है। इस वक्त तक क्योंकि सही सूरत हाल जो है वो सामने नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पर जख्मियों को और हलाक शुदगान को वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार जो काफिले मौजूद थे उन्होंने उठा के अस्पतालों में पहुंचा दिया है, मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिसकी वजह से अभी तक सही तादाद नहीं है। खदशा है कि हलाकते हैं और जख्मियों की तादाद में कोई इजाफा हो सकता है। आपने मकामी इंतजामिया से बात की है इस सिलसिले में जी? जी, मकामी इंतजामिया के तमाम लोग जो है वो अभी तक इसी में लगे हुए हैं, फौरी तौर पर वो जो है उन्होंने शहर के जो वो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो हैं, और वो क्योंकि मेन बाजार में धमाका हुआ है और ये ऐसा टाइम था कि यहाँ सनतों में जो है वो गाड़ियां जो है वो शिफ्टें वगैरह लेके आती हैं, तो शहर में बड़ा रश होता है, तो उन्होंने उन गाड़ियों को पीछे रोका है और वो सारे इस सूरत हाल में बिल्कुल बाइक कनेक्ट पोजीशन में नहीं है। अच्छा, और जख्मियों के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है? जी सर, जो वहाँ उनके साथ उनके काफिले में और गाड़ियां थी उन्होंने उनको फौरी तौर पर जो जख्मी थे वो और हालात शुद्धान थे उन्हें उठाया है, और यहाँ मकामी इंतजामिया के पहुंचने से पहले ही उन्हें जो है वो अस्पतालों की तरफ ले देना, और जिसमें कराची और हब के अस्पताल शामिल हैं। चलें, बहुत शुक्रिया इलियास जमील साहब, हमें आपसे जैसे ही आपको मजीद इतलात मिले तो हमें जरूर बताइएगा जी। थैंक यू वेरी मच। इलियास जमील साहब हमारे नुमाइंदे वहां से हमें हब से बता रहे थे कि ये धमाका कैसे हुआ। एक कॉन्वॉय जा रहा था और वो उनको गार्ड करके जा रहे थे, उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, और मेन बाजार से गुजरते हुए एक जगह पे वहां धमाका हुआ है, और उसमें वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ चीनी जो लोग हैं इंजीनियर्स वगैरह उनकी भी हिलाकतों का अंदेशा है। अब कितने लोग हैं इसमें जो हिलाक हुए हैं और उनकी तादाद कितनी है और कितने लोग जख्मी हुए हैं, इनका जैसे ही हमें पता चलेगा फाइनल टैली जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। एक अजीब सी कैफियत आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में, मैं बाकी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी देख रहा था तो हर जगह पे ये खबरें जो है वो छप रही हैं कि पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में रोज़ाना 2-3 धमाकों में 85 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो रहे हैं, तो ये एक कैफियत पैदा होती हुई है कि पाकिस्तान के बारे में हम अच्छी खबरें नहीं सुन रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर हमें कोई खबर मिल रही है तो वो गलत मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान का इमेज जो इतने सालों में हमने कोशिश की थी कि ज़रा बेहतर हो वो अब सफ़र कर रहा है, और फिर ज़ाहिर है कि उसको बनने में भी टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा, अगर इसको अभी से ना रोका गया तो मसाइल मजीद खराब हो सकते हैं। हम बात भी कर रहे हैं और इसी का जो इम्पैक्ट है वो एक आम फैमिली के ऊपर क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जांचने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल्स करें, और एक फैमिली हमने इनवाइट की हुई है, इसी तरह बाकी फैमिलीज हैं उनके भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी इसी तरह के असरात पड़े हैं, और बहुत से लोगों से हमने गुजारिश भी की कि वो आए, लेकिन वो इतनी स्टेट ऑफ शॉक में है कि वो नहीं आ सके। मैं इनकी दाद देता हूँ सरफराज साहब की कि ये तशरीफ लाए और इन्होंने हमें अपने जज्बात से आगाह किया, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा जी कि हम तो इस वक्त बात करने के भी काबिल नहीं हैं, उनके घरों में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है, तो ये लोग इनको काश के ये हमारा प्रोग्राम भी देख लें, और ख़ासतौर पर जो लोग इसमें जहाँ भाग हुए हैं उनके घरों में अगर विजिट कर सकें तो पता चले कि इनकी कार्रवाइयों से लोग खुश नहीं हैं, लोगों की जिंदगियां अगर आपने तबाह की हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एक आम आदमी, एक माशरे का जो एक आम आदमी जो ये देखें, ये कोई अमीर आदमी नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा कोई सनतकार नहीं था, बहुत कोई बड़ी जायदादें छोड़ के नहीं गया, अब उसकी फैमिली का कौन रखवाला है, उसकी फैमिली का कौन उसको उसकी केयर करेगा, कौन उसको खाना देगा, कौन उसकी वाइफ को जो है वो उसके हॉस्पिटल लेके जाएगा, कौन उसके बच्चे जो हैं और जो बच्चा आने वाला है उसकी कौन केयर करेगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनको कौन बताए कि ये मामलात कैसे चलते हैं। उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ही कैन नॉट इवन टॉक,
और उनकी जो हालत है वो अजीब सी लग रही है। मैं तो अब यकीन माने कि नाजरीन इस वक्त जो आप खुद भी फील कर रहे होंगे और मैं भी फील कर रहा हूँ, इसके लिए अल्फाज तो हमारे पास नहीं है। इसमें मुझे सफा साहब एक चीज़ जरा बताइएगा कि आपके जो बहनोई थे उनकी कितनी थी आमदन, कितनी थी इस जॉब की? तनख्वाह साढ़े चार पाँच पाँच हजार थी। और उसमें जाहिर है कि फैमिली को भी रखना और उसमें सारा काम, हाँ, वालदा की वो जो पेंशन थी ना वो भी इनको मिल रही थी। अच्छा, इसमें जो उनकी तनख्वाह आती थी उनके बच्चे आपने बताया कि कितने बच्चे थे उनके? पांच बच्चे हैं, तीन बेटे और दो बेटियां। बड़ा बेटा आया हुआ है सर, महल 12 साल का होगा, 12 साल का है, तो उससे छोटे हैं सारे, उससे छोटे हैं, वो पढ़ते हैं सर। हम जितने भी कर लेंगे लेकिन वो चीज़ तो नहीं बन सकेंगे ना, एक बीवी अपने मियाँ के साथ क्या शेयर करती है, 100 बातें करती है। आप भी शादीशुदा हैं, भी शादीशुदा क्या हो सकते हैं सर, अभी सब्र के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? बाद में ये अल्फाज रह जाते हैं कि बस सब्र करें जी, बस खुदा आपको सब्र जमील अता करे, बस खुदा ही अता करता है, इंसान को क्या अता करता है। बस ये सर मेरी गुजारिश है सब पाकिस्तानियों से, या बस आप लोग जो है ना किसी हजूम में मत जाएं, किसी रश में मत जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जद में कोई आपका, आप या आपका अजीज को आपको बुरी खबर मिलेगी, यार ऐसे हो गया है। सर मैं खुद ड्यूटी पे था तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार इस तरह बम ब्लास्ट हुआ कचहरी में। मैंने कहा अच्छा यार, हमने टीवी लगाई है तो लगा के देखी टीवी, तो मेरे भाई का फोन आया, तो मेरा भाई कहता है भाई तारक का नंबर चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यों खरीद, कहता है यार वो दफ्तर जो था ना उनका साथ ही था। मैंने कहा नहीं यार, जो पार्किंग वगैरह एरिया ना उधर उनका कोई जलसा वगैरह होगा या कोई जो कुछ भी होगा उधर होगा, उनके दफ्तर के आगे तो इतनी जगह ही नहीं है, तो उधर कहते उधर कुर्सियाँ वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी, मैं आज गया हुआ था तो उधर तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं रबते मैंने भी फ़ोन किया, नंबर सर मिल ही नहीं रहा, कभी उसने अपना मोबाइल नहीं ऑफ किया था, कभी भी नहीं किया था, मिल ही नहीं रहा। वो लोग मेरे वाले साहब खुद कचहरी आए हैं, कहते हैं हमने उधर ऐसे वाक्य देखा जिस तरह कसाईयों की दुकान पे इधर इंसान जानवर ज़बह करते हैं, इस तरह लोगों के पड़ी हुई थी चीजें, तो देखें सर। तो जब मैं उधर हर हाँ वाले साहब बता रहे, कह रहे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं लोगों को जब ऐसे, तो कह रहे उनमें तारक नहीं नजर आ रहा है, कहते फिर मैं गा रहा हूँ। मैंने भी इनसे रब्ता किया, बाजी लोगों को बताया, मैंने कहा बाजी भाई तारक कहाँ है, कहती वो तो ड्यूटी पे गया। मैंने कहा बेखबर हो रहा है, तुझे कोई मसला बन गया, उसका मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है। जब हम लोग उधर कॉम्प्लेक्स पहुंचे, मैंने वाले साहब को बताया कि आप कॉम्प्लेक्स पहुंचे, हम भी मैं उधर आ रहा हूँ, मेरा भाई गेट पे खड़ा था, तो वाले साहब मुझे उधर इमरजेंसी के बाहर आ रहे, कहते सिर्फ राज लग तो तारक रहा है। मैं उसी टाइम सर पाँव जो है ना चलने में काबिल नहीं रहे, जिस तरह बिल्कुल बंदा जो है ना इसको किसी ने जो है ना पता नहीं क्या कर दिया है, इस तरह हो गया था। मैं गया हूँ उधर देखा है, तो मैंने कहा ये तो भाई तारक ही है। तो उनकी शिनाख्त कर पाए आप ज्यादा? सर चेहरा ठीक था, काफी बस कोई इधर जख्म वगैरह थे, ये बाजू पे था और टांग का सब पता नहीं कहा, ये यहाँ देखा ये पिन्नी जो है ना, ये यहाँ जो हड्डी है ना ये नजर आ रही थी सर, ये गोश्त लटका हुआ था और ये उसकी साक्षी तक फट गई, उसके अंदर जो ये अंगूठा वो सही फटा हुआ था सर। तो फिर आप कल कहीं शर्ट काट रहे थे, यार देखते हो फिर क्या कहमत आई है सर, जिन उस बहनों का कि भाई है सर क्या करें, बहनों को भाइयों से बड़ा असर होता है कि हम अपने भाई से मिलने जा रहे हो आंखों के सामने, वैसे सर उसको वैसे आप अगर मिल लेते आप कहाँ मिल सकते हैं सर, तो दिल को सुकून मिलता था। वो ऐसे उसका अखलाक था, प्यार मोहब्बत के साथ बात करता था किसी के साथ, उसका कोई, मैंने सर मेरी
बहन की शादी को 93 में हुई सर। मैंने नहीं, घर में सर छोटी मोटी लगी रहती है हर इंसान के, बड़ों से लेकर छोटों तक जो है ना, हर इंसान के घर में छोटी मोटी, लेकिन ये नहीं मैंने देखा है कि हमारे साथ उसने कोई बदतमीजी की हो या हमें इस तरह का कोई अल्फाज कहे हों, कभी भी नहीं उसने कुछ कहा। और हर इंसान ये कह रहा है कि यार उसका इखलाक उसका, लेकिन उसकी ज़िंदगी बस शायद उधर ही थी ख़त्म। हम ये कह रहे हैं कि यार काश के उधर से निकल आता, काश के कुछ ऐसे हो जाता। अभी भी उनकी उधर बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है। क्या कहेंगे आप, ये लोग बम धमाके करते हैं और ये जो खुद कुछ हमले शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे आप उनको? बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग राय रास्ते पे आए, सही जो आपका रास्ता है। मेरा मजहब भी यही सिखाता है अमन और सलामती हर, अगर हम अपने घर की सलामती चाहते हैं तो ये हमारा मुल्क है, हम इसकी भी सलामती चाहें कि इसी के वसीला से हर इंसान की अपनी एक शनाख्त होती है, पहचान होती है। जिस तरह वालद का नाम लगाया जाता है साथ, इसी तरह अपने मुल्क का नाम भी साथ लगाया जाता है। तो हमें ये चाहिए कि उन लोगों को बस ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि सही सही रास्ता जो है ना वो अपनाना चाहिए। हम अपने मुल्क को, काश कि आपकी बात को वो समझ सकें, हम अपने मुल्क को इस तरह ना करें, हम अपने मुल्क में प्यार मोहब्बत लाएं एक दूसरे के साथ। जब ईद होती है तो हम कितने मोमन हो जाते हैं, जब क्रिसमस होती है तो हम कितने मोमन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगते हैं, जो गिले शिकवे होते हैं सारे मिटा देते हैं। तो हम इतनी हद तक पहुंच जाते हैं कि इस तरह के वाकयात के हम एक दूसरे को मार देते हैं सर, और मारते भी किस तरह सर। कभी किसी ने, पहले सुनते थे किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को खंजर मार दी, अभी क्या है पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी, अभी तो जिंदगी की तो बिल्कुल कोई गारंटी शुरू से नहीं दी किसी ने, अभी तो दे ही नहीं सकता है। कभी हम बाहर जाएंगे आपके इधर से दफ्तर से उठ के तो कोई पता नहीं। पहले ये था कि चलो जी बंदा को बीमार है यार, वो बीमार होता है हम लोग कहते हैं कि उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, हमारी आंखों के सामने होता है, हम उसके साथ बातें करते हैं थोड़ी सी, उसको अपने बच्चों के पास होता है ना, घर में होता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और अल्लाह ताला हौसला दे आपको। लेकिन सर मैं इनके घर कितने दिन रहूंगा, मेरी भी ड्यूटी है, मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ है। अभी यही सब कुछ समझेंगे ना इंसान जो प्रैक्टिकल गुजरेगा। अभी तो हम लोग इनके पास हैं, इनको तसलियां दे रहे हैं, अपने आप को तसलियां दे रहे हैं, बहन को तसलियां दे रहे हैं, उस हरे वो इस तरह जिस तरह पागल नहीं हुई होती है ऐसे बातें करती रहती है वो, खुदा की बंदी तो खुद इस साल में। लेकिन अभी वो क्या करे जिसका खावन सर उसके, उनका तो सारा घर लूट गया ना। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। सरवर साहब आपकी तशरीफ़ का शुक्रिया, और जो आपने मैसेज दिया है अल्लाह करे कि ये लोग सुन लें और इस काम से इज्तनाब करें, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। बस ये इल्तिजा ही है कि आप लोगों की मेहरबानी है, उन लोगों की कि जो लोग इस तरह कर रहे हैं। नहीं बड़ी मेहरबानी, और हम लोगों ने क्या कसूर किया है या कोई किसी का क्या कसूर करता है। ठीक है, जो अभी मैंने अगर आपके साथ कोई आपको कोई गलत कहा है तो आप मुझे कहें, या हमारा क्या कसूर है या इन दूसरों लोगों को क्या कसूर है, खुदा बेहतर जानता है, हमें नहीं पता है जो कुछ भी है। लेकिन गलत है, खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है ना अमन और सलामती लाए। मैंने सुबह भी दुआ की है, इन्होंने भी दुआ की है, मैंने अपनी वालदा को साथ लिया, मेरी खाला थी और एक जो इनकी बेटी है उनकी सास थी, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने इकट्ठे दुआ की है और यही मांगा है कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती दे। जो लोग अभी हमारा भी जिस तरह घर है, पता नहीं किस किस के, कोई वालिद चला गया, कोई कौन चला गया, किसी के भाई चला गया, लेकिन वो वापस तो नहीं आएंगे। और अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में भी हालात जो है वो ठीक हों। चौधरी तो भी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, ये अपने ले लीजिएगा और अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। नाज़रीन ये थी एक फैमिली जिसका हम क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है एक लाइफ के ऊपर, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश कर रहे थे। और अल्लाह करे कि ये लोग सुने और देखें कि जिंदगियां कैसे तबाह बर्बाद हो रही हैं। एक मैंने पहले बताया था आपको कि न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ है, उसकी जरा तफसीलात जांचने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क में भी आज एक वहां पे धमाका हुआ है, एक बिल्डिंग जो है वो मुतासर हुई है। मोहसिन जई साहब सीनियर साफी हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं मोहसिन जई साहब से। मोहसिन साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम।
जी वालेकुम सलाम सर। मौसम क्या हुआ है मैनहट्टन में, इसकी जरा तफसील बताइएगा कि क्या कोई धमाका शमाका हुआ है? मैनहट्टन तो इट्स अ हैवीली गार्डेड एरिया, किस तरीके से ये सारे बिल्डिंग कलैप्स हुई है? सारा इस वक्त न्यूयॉर्क में बुध और जुमेरात की दरमियानी रात है और रात 1 बजे का टाइम है। अभी को 7 घंटे पहले जो न्यूयॉर्क सिटी है जिसे आप मैनहट्टन भी कहते हैं उसका मिड टाउन का एरिया है और मिड टाउन एरिया में 40 स्ट्रीट और मेडिसन एवेन्यू के पास 5:57 पे शाम को यहाँ के लोकल टाइम। ये 40 तो मेडिसन जो आप कह रहे हैं ये तो ग्रैंड सेंट्रल का शायद एरिया है। जी ये ग्रैंड सेंट्रल के बिल्कुल सामने हुआ ये वाक्य। अच्छा जी हाँ, तो वहाँ पे 5:57 पे एक जोरदार धमाका हुआ जिससे इर्द गिर्द का पूरा एरिया जो है वो लर्ज उठा और धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी वो उनके 16वें और 17वें फ्लोर तक खिड़कियां और शीशे जो है वो टूट गए। और ये धमाके की जो वजह बनी उस एरिया के नीचे एक स्टीम का पाइप गुजरा था जो 24 इंच जो उसका डायमीटर था और वो उसके अंदर प्रेशर था और वो 1922 में डाले गए थे ये पाइप। वो वहां पे एक प्रेशर एक अरसे से बिल्ड हुआ और पुराना पाइप था वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और उस पाइप में एक पूरी फोर्स के साथ स्टीम गुजरती थी जो उस एरिया में मुख्तलिफ मकासद के लिए वहां पे सैनिटेशन सीवरेज और दूसरे कामों के लिए यूज की जाती। तो वहां पे एक जहां पे जैसे कोई लावा फूटता है या कोई वो होता है उस जोरदार धमाका हुआ और फौरी तौर पर ऐसे लगा कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई ऐसा कोई गड़बड़ हो गई या कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया और ये इतना अचानक वाकया और इतना जो था वो किसी के लिए भी गैर मुतवक्के था। और इसके अलावा जो स्टीम निकली है वो सड़क को पाइप फटा है, पाइप के ऊपर ऊपर रोड थी वो इतनी जोरदार धमाका था कि उन्होंने रोड फट के और वो एक शगाफ बना है और शगाफ से जो स्टीम है वो बाहर निकलना शुरू हुई। और जो सर आपको पता है जो ग्रैंड सेंट्रल का एरिया है उसके साथ जितनी बिल्डिंग बड़ी बुलंदो बाला बिल्डिंग्स है और साथ ही क्राइस्लर बिल्डिंग है जो तकरीबन 50 से 60 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग्स है और स्टीम जो थी इतनी प्रेशर से बाहर आ रही थी कि 60वीं और 50वीं मंजिल तक वो स्टीम जा रही थी। अच्छा, इस वाक्य के 1 घंटे बाद मेयर न्यूयॉर्क जो माइकल ब्लूमबर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसील बताई कि ये वाक्य जो था ये पुरानी पाइपलाइनें थी और गलती जो थी मुतलका अदारों की थी, उन्होंने इनका नोटिस नहीं लिया, चेंज नहीं किया और ये बर्दाश्त नहीं कर सकी प्रेशर और ये हुआ। वैसे मौसम एक तो आप भी जानते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि वहां पे मैनहट्टन में तो एक छोटी सी जगह पे इतना कंजेशन है, आपको पता ही है कि ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, उनके नीचे फिर ये इस तरह की पाइपलाइंस और फिर उनके नीचे फिर ये सबवे के ट्रेन वगैरह चल रही होती हैं, तो एक छोटी सी 13-14 मील के एरिया में ये सब कुछ वहां पे डाला गया हुआ है और वो है भी तकरीबन 100 साल पुराना। तो ये आपको मालूम है वहां पे कई बिल्डिंगें भी गिरती रहती हैं, तो इसके बारे में तो एक स्ट्रेटजी इख्तियार नहीं की जानी चाहिए थी कि मेयर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैं 2 चीजें बताऊं, एक तो इस वाक्य में अभी तक जो इत्तलात है एक आदमी जो है उसकी डेथ हो गई है और अभी तक वाजे नहीं है, बाज पुलिस के मुताबिक जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मरा है और बाज लोग कह रहे हैं कि इस वाक्य की जो धमक और उसकी वजह से उसका जो है वो मौत हुआ क्या 20 के करीब जख्मी हुए। मेयर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ किया कि ये गलती मुतलका अदारे की थी, इतनी पुरानी 1922 की पाइपलाइनें थी और 24 इंच जो डायमीटर था इस पाइप का एक बड़ा पाइप था और उसमें पूरी फोर्स और स्पीड के साथ जो है ना वो स्टीम गुजरती थी और ये ग्रैंड सेंट्रल का एरिया जो है वो न्यू और मिड टाउन का एरिया, ये जो समझ लें हार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी बिजिएस्ट एरिया जो है जी हाँ, और बड़ा मतलब बिजी तरीन इलाका है। और मौसम जरा ग्रैंड सेंट्रल के भी बारे में बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को, ये कितना बड़ा एक स्टेशन है जो कि एक हब है पूरे सबवे स्टेशन का वहाँ पे। न्यूयॉर्क सिटी के 5 boroughs हैं जिनको आप 5 district भी कह सकते हैं, उनके पूरे इलाकों से जो ट्रेनों का एक जाल बिछा हुआ न्यूयॉर्क सिटी में और रोजाना यहाँ पे रोजाना यहाँ पे जो है लाखों जो लोग हैं वो कम्यूट करते हैं ट्रेनों के जरिए और ये लोग सारी ट्रेनें जो है मोस्टली जो ट्रेनें हैं वो ग्रैंड सेंट्रल पे आती है और वो ग्रैंड सेंट्रल जो है एक बड़ा हब है, जंक्शन है और वो एक मोस्ट सेंसिटिव एरिया था। तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चीज एक सवाल यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जब वाकई अचानक हमें इतला मिली, हम ऑफिस से काम बंद करके घर जा रहे थे तो मुझे इतला मिली, आप बिलीव करें यहाँ पे मोस्टली लोगों का रिएक्शन था कि अल्लाह खैर करे जो पहली बात निकली, कोई खुदा ना खास्ता
कोई ऐसी गड़बड़ ना होगी, आपको पता जो टेंशन चल रही है इन दिनों में, तो अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ और यहाँ पे सब खैरियत से हैं। लेकिन अभी तक पुलिस जो है और लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं वो हाई अलर्ट पे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और ट्रेनों का सिस्टम मुतासर हुआ था, लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। अब लाइफ जो है उस एरिया में जो है 40th स्ट्रीट और मेडिसन के एरिया में बैक टू नॉर्मल हो रही है। अच्छा, और ये एग्जैक्टली किस वक्त का वाक्य है आपके टाइम के मुताबिक? किस वक्त? न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 5:57 थे, हमारे यहाँ पे शाम हुई थी, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपके रात के जो है 2:57 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी जो वहाँ पे कोई लोगों को हरासा तो नहीं किया गया है, कोई हमारी कम्युनिटी में कोई इस तरह की खौफ हरास की फीलिंग्स तो नहीं है इस वक्त? जी सर, मैंने जैसे बताया कि ये जो आज न्यूयॉर्क सिटी में मिड टाउन में वाकया हुआ, इसको अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के एंगल से और उस पहलू से अगर इस स्टोरी को देखें, तो मैं एक अखबार नवीस हूँ, मुझे एक कॉल आई कि ये वाकया हुआ है, फिर उसके बाद फौरी तौर पर मैंने रब्ता किया, हम उस इलाके में गए, लेकिन जो पहला मेरे मुंह से जो फिलबदी जिसको आप कहते हैं फिलबदी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, और जिस बंदे ने कॉल की मैंने उससे अगला पहला सवाल ये पूछा कि यार ये खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई ऐसा वाकया तो नहीं। अमेरिका में आपको पता बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी रहती है, और इसको होमलैंड सिक्योरिटी ने तो रूल आउट कर दिया है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं था। न्यूयॉर्क होमलैंड सिक्योरिटी और जो मुतलका कॉन एडिसन जो अदारा है जो बिजली और गैस सप्लाई करता है सिटी में, उन सब ने ना सिर्फ रूल आउट किया बल्कि ये भी माना है कि ये मोस्ट लाइकली हमारी गलती है। लेकिन अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी ऑर्डर हो गई है, मोस्ट लाइकली एक आध दिन में इसकी फाइनल जो है वो रिपोर्ट पेश करें। चलिए मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, और अपना भी ख्याल रखिएगा और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी हौसला देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहसिन ज़हीर सीनियर साफी हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से, और तफसीलात बता रहे थे कि वहां पे किस तरह धमाका हुआ है, और मैनहट्टन का जो एरिया, जो लोग मैनहट्टन को जानते हैं आपको पता है कि एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, बेशुमार एक्टिविटी है, एंड इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो भी इस हवाले से भी बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, और मिड टाउन का जो एरिया है खासतौर पे, वो तो वहां पे तो ज्यादा एक्टिविटी होती है वहां पे, एंड उसके हार्ट में ये जो ग्रैंड सेंट्रल एक स्टेशन है जहां पे तमाम ब्रांचेस जो हैं ट्रेन्स की वो वहां पे आके इकट्ठी होती हैं, और वो हब है पूरी एक्टिविटी का, वहां से लोग आगे जाते हैं, वहां से आते हैं, तो वो एक मरकज है पूरे ट्रेन स्टेशन का। उसके एन सामने वो कह रहे हैं कि वहां पे एक धमाका हुआ है, और एक स्टीम का जो पाइप था वो एक नीचे से जो गुजर रहा था वो फटा है, तो उससे एक धमाका हुआ खासा शदीद किस्म का, और उसके असरात जो है वो लोगों ने महसूस किए, और बिल्डिंगें जो है वो उनमें लोगों ने अंदर बैठे हुए भी उसका महसूस किया इम्पैक्ट। तो ये सिलसिला जो है वहां पे हुआ है, इसमें अल्लाह करे कि अभी तक तो एक ही उन्होंने कहा कि आदमी जो है उसकी डेथ हुई है, और अल्लाह करे कि जो बाकी लोग हैं जो जख्मी हैं वो ठीक रहें। और खासतौर पर इस हवाले से भी डर लगता है कि कहीं, जिस तरह मोहसिन भी कह रहे थे कि वहां पर लोगों को जब ऐसी कोई बात खबर सुनने को मिलती है, तो सबसे पहले ये होता है कि खुदा ना खास्ता ये कहीं अगर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो फिर एक जो कार्रवाई है वो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, सब के खिलाफ वहां पे शुरू हो जाती है, और वो फिर टारगेट किया जाता है लोगों को, और जिस तरीके से फिर होते हैं वहां पे लोग टारगेट, वो आपको पता ही है कि खासे मामला जो है वो खराब हो जाते हैं। ये एक ग्लोबल सिनेरियो आप देखें नाज़रीन, के आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कुछ ना कुछ इस तरह के वाकयात, हमें खुद कई दफ़ा फील होता है कि हम आपको कोई अच्छी खबरें नहीं दे पाते हैं, हर वक्त जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उसमें डेथ की खबर होती है, जख्मी होने की खबर होती है, कहीं पे धमाका हो गया है, इसी तरह की खबरें चल रही हैं, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, हमारे मुल्क के लिए, हमारे दीन के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी लम्हात में एक और सहाफ़ी से बात की जाए इस हवाले से, और बात करते हैं एक खातून सहाफ़ी के साथ, नरगिस बलोच साहबा के साथ, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। नरगिस साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो नरगिस बलोच साहबा, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा ट्राई करेंगे जी, नरगिस बलोच साहबों के साथ रब्ता शायद कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दोबारा ट्राई करेंगे। मैं पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो उन्हें दोबारा ट्राई करें, उनसे बात करते हैं हम इस्लामाबाद के बम धमाकों के हवाले से भी, और ओवरऑल ये जो एक सिनेरियो हम देख रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, बहुत से लोगों का मैं तो कहूंगा कि ये एक बहुत ही सफाकी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आम आदमी, ये भी जो हमारे पास बैठे हुए थे
सरफराज साहब, उनको आपने देखा कि वो किस तरह बता रहे थे कि उनकी लाइफ, उनकी सिस्टर की लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ किस तरीके से मुतासिर हुई है और किस तरीके से एक आम आदमी, एक 5,000 तनख्वाह वाला आदमी जिसकी जान ले ली गई, उसका क्या कसूर था। मुझे तो सिर्फ एक सवाल जो है वो पूछना है कि उसका क्या कसूर था, उसने कौन सा यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई कार्रवाई की हुई थी कि जिसको टारगेट किया गया, वो कौन सा कोई हुकूमती अहदेदार था, ये सब चीजें वो देखने वाली हैं। दोबारा बात करते हैं नरगिस बलोच साहब के साथ, उनसे पूछते हैं। नरगिस साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहब, इस्लामाबाद में भी बम धमाका हुआ और फिर अभी हम देख रहे हैं कि आज ही अभी तक अभी 10 नहीं बजे हैं और उससे पहले पहले 2 धमाकों की खबरें हमें आ चुकी हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि ये मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाने के लिए एक बहुत मुनज्जम तरीके से ये काम किया जा रहा है और आपका जो बम धमाका है जी, मैं कम अज कम उसको लाल मस्जिद के हवाले से नहीं ले सकती और मैं इसको किसी और नुक्ते नजर से देखती हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर के जैसे कि कल सदर साहब ने कहा कि कौमी ये कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से तमाम सियासी जमातों को इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए और कॉन्फ्रेंस इसके बगैर कि जब तक कि सब इसमें इन्वॉल्व ना हो जो आवाम के नुमाइंदे हैं तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है जी। और मेरे ख्याल से कि ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है और इसको रोकना शायद के सिर्फ हुकूमत का जिम्मेदारी नहीं बनता है। अच्छा, तमाम लोग तो खैर इन्वॉल्व हो और फिर उसको करें, मुझे ये जरा हब के बारे में जरा थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो कनेक्शन है कि चाइनीज को टारगेट किया जाए, ये क्यों हो रहा है और ये कौन लोग हो सकते हैं? चाइनीज का देखे आज ये अल्लाह का करम हुआ है कि चाइनीज तो महफूज रहे हैं, लेकिन साथ साथ अफसोसनाक ये है कि कोई 17 के करीब इस वक्त अमवात हो चुकी है हब में और 50-60 से ज्यादा जख्मी है। अच्छा, पुलिस एहलकार वगैरह, क्योंकि चाइनीज का कॉन्वॉय गुजर चुका था उसके बाद ब्लास्ट हुआ। अच्छा, लेकिन हम इसको इस लिहाज से देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और उसके वहां जो हुआ मैं नहीं कह सकती, इस्लामाबाद में या उस तरफ जो कुछ भी हुआ सवात वगैरह में या पिशावर में, मैं उसको नहीं कह सकती, लेकिन हम में जो कुछ हुआ है आप उसको अगर देखते हैं तो हमारा जो हमसाया मुल्क है हम उसके हवाले से देख सकते हैं कि इसके चैनल वहां से मिलते हैं। तो आप समझिए बैरूनी हाथ हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता नहीं है, बिल्कुल है। इसको तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लाल मस्जिद या कोई तालिबान या फलाना, नहीं, ये हब का धमाका सिंपली जो है वो हमें नजर आता है कि वो गैर मुल्की हाथ इसमें है और गैर मुल्की हाथ से मुराद मेरी क्या हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसमें मजीद जख्मी आपने कहा कि 50-60 के करीब हैं और 17 के करीब हिलाकतें हुई हैं जी। हाँ, अच्छा चलो, यही है कि जो पुलिस एहलकार थे जो उनकी हिफाजत के लिए चाइनीज काफिले के साथ जाते थे वो थे और साथ में कुछ और गाड़ियां थी वो थी और जो लोग वहां खड़े थे, तो 17 की तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने आ रही है। चले अल्लाह ताला बेहतर करे। नरगिस बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खातून साफी नरगिस बलोच साहब हमें बता रही थी कि ये जो हब का वाकया हुआ है इसमें वो कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इवेंट है, इसमें इसको हम जो लाल मस्जिद का सिलसिला है उसके साथ नहीं मिला सकते या दूसरी जो एक रेन ऑफ टेरर जिसको थोड़ा सा फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके साथ नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन वो कह रही है कि इसको एक और एंगल से देखना चाहिए और वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो है, क्योंकि हमसाया मुल्क के साथ साथ हमारे अपने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके फिर आलाकार बनते हैं और वो फिर उनको मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो बताते हैं और वो जाके फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को ऐसे टिप्स देते हैं कि जो फिर वो अटैक करते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर। एक आखिर में कॉल लेते हैं और फिर बात करते हैं उनसे कि क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कुसाना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी मैं मुख्तार गिलानी न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। मुख्तार गिलानी साहब न्यूयॉर्क से, फरमाइश जी। सर किसाना साहब, मैंने देखा है कि जिस दिन से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को ये मसले मसाले शुरू हुए हैं, जलसे जुलूस निकले हैं, उस दिन से मैंने देखा है कि ये सब सियासी लीडर इकट्ठे हुए हैं और फौज और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी इन्होंने शुरू की हुई है। ये सियासी लीडर सिर्फ सियासत से लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल जो इस्लामा
इस्लामाबाद में वाकया हुआ, मैं उस स्टेडियम की मजम्मत करता हूँ। मैं इन सियासी लीडरों से अपील करता हूँ कि पहले अपने इस मुल्क, इस अपने घर को बचाएं, फिर सियासत करें। ये जितने भी बम धमाके हो रहे हैं, इसमें गरीब आवाम मर रही है, कोई सियासी लीडर को नहीं मरा, वहां पर कोई वकील नहीं मरा। अभी मेरे सरफराज मुफ्ती साहब के जो बातें मैंने सुनी, तो मैं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कौन मरता है, गरीब आवाम मार रही है। तो मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से भी यही अपील करता हूँ कि इन लोगों के जलसे की दूसरों में मत जाए। क्यों, जब भी कोई मरता है तो गरीब आदमी मरता है, गरीब आवाम मरती है, सियासी लीडर ये नहीं मरते। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है किसानों साहब, यकीन करो कि मैं कहता हूँ इन, ये जो बाहर एबीसी की जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, वहां भी सब सियासी लीडर जमा हुए थे ना, पता नहीं क्या उन्होंने क्या बातें की है, क्या किया हुआ, और मेरे के खिलाफ सख्त अल्फाज यूज कर रहे थे। ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले अपने घर को बनाओ फिर सियासत करो। लेकिन घर को बनाने से ये है कि पूरा मुल्क सुकून में रहे, ये बम ब्लास्टिंग, ये जितने भी घपले हो रहे हैं, ये ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करे। गिलान सर, आपका शुक्रिया। आपका मैं जी फरमाइए, आपके साथ हमदर्दी है, मेरी आपके साथ पाकिस्तानी आवाम के साथ हमदर्दी है। जितने भी बंदे वहां पे मरे हुए हैं, जो क्या नाम है मस्जिद में उधर शहीद हुए हैं फौजी, सबके साथ मेरी हमदर्दी, अल्लाह ताला ने जन्नत में पहुंचा उसमें ज्यादा दे। और जो कल बम ब्लास्टिंग हुआ है उसमें जो बंदे मर गए हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। अभी जो क्रैची हवा में हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे, आप भी दुआ करें। और मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सारे अल्लाह ताला के आगे दुआ करें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क किस जगह से हैं? मैं न्यूयॉर्क में हिल साइड से बोल रहा हूँ। आप हिल साइड क्वींस से बोल रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैनहट्टन में भी धमाका हुआ है, तो अपनी कम्युनिटी का अपना ख्याल रखिएगा वहां पे। थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब। मुख्तार गिलानी साहब ने कॉल किया, न्यूयॉर्क हिल साइड क्वींस का इलाका है, वन ऑफ द फाइव बरोज, वहां से वो कॉल कर रहे थे, बता रहे थे कि वहां पे वो पाकिस्तान के मामलात में क्या सोचते हैं और समझते हैं। नाजरीन, ये जो सिलसिला है ये एक बड़ा ही भयानक, अगर पूरी पूरी पिक्चर को ड्रॉ करें तो बड़ी भयानक पिक्चर जो है वो सामने आती है, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत से मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और अगर हमने इनको यहाँ पर कंट्रोल ना किया तो मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब सूरत हाल इस तरह की है कि हम जितना भी कोशिश करें, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब इसमें मैंने कल भी ये गुजारिश की थी और अपने पॉलिटिकल पार्टीज से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस वक्त अपने ग्रोही और सियासी और जमाती मफादात से ऊपर उठकर अपनी नीयतों को साफ करके आप आगे बढ़िए और इन मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद है कि अगर सब लोग इकट्ठे इसको हल करने की कोशिश करेंगे, सब लोग खासतौर पर रिलीजियस पार्टीज का एक इसमें रोल है, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे तो हमारा मुल्क कामयाब होगा और हमारा दीन कामयाब होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए नाज़रीन, और मैं आखिर में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, और वो दुआ ये है कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी इसी तरह बना दो जिस तरह तू चाहता है। मुझे इजाज़त लेने से पहले मैं सिर्फ, मुझे बताया जा रहा है कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद बढ़ाएं ताकि इसको सारा प्रोग्राम जो है वो एक जो सिलसिला चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी ब्रेक हुआ है, न्यूज ब्रेक, खबरें लेके खबरों के बाद फिर मैं वापस आऊंगा और आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है। प्लीज स्टे इन टच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।